fight for my attention, for your ascension, you must prove it. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल TR07 राइडर। तो कैसे हो? तो आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके, जो कि है इस बाइक के ऊपर R15 Version 3, जो कि फुल्ली मॉडिफाइड है। तो आज करेंगे इस बाइक के ऊपर वीडियो, इसका रिव्यू देखेंगे, फिर सब कुछ इस पे जो कुछ भी लगा है मॉडिफिकेशन, जो कुछ भी है, सब जो कुछ भी लगा है इस सब का मतलब रेट पूछेंगे जिन भाई का बाइक है ये। फिर करेंगे इसका टॉप स्पीड टेस्ट, फिर होगा व्हीली, फिर होगा बर्नआउट, बहुत कुछ होगा इस बाइक में आज आप देखेंगे। और मेरा जो हेलमेट है उसमें एक नया माइक का सेटअप मैंने लगाया है, वो भी देखेंगे कैसा आ रहा है इसका साउंड, विंड ब्लास्ट वगैरह आ रहा है कि नहीं, या फिर वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। और फिर एक नया कैमरा का सेटअप भी लगाया, मतलब मेरा कैमरा नहीं है, मेरा एक भाई का कैमरा है, उन्होंने दिया है कि हाँ शूट करो, क्वालिटी अच्छा आएगा आप सबके लिए, मतलब कॉन्टेंट अच्छा आएगा, तो करेंगे आज। तो चलिए पहले इस बाइक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस बाइक का मतलब जब ये स्टॉक बाइक रहता है, आप जब कंपनी से लेते हो, इस बाइक का क्या क्या रहता है, इसके इंजन के बारे में, फिर इसका पावर के बारे में, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहले आ जाते हैं इसके इंजन के ऊपर। तो ये बाइक कंपनी से आती है 155cc लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC 4-वाल्व इंजन के साथ। फिर इसके पावर के बारे में बात करेंगे तो ये 18.6 PS की पावर जनरेट करता है एट 10,000 RPM। देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑडोमीटर वगैरह वगैरह सब कुछ दिया है, यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर पाएंगे। तो जैसा कि बोला था 18.6 PS की पावर जनरेट करती है ये बाइक एट 10,000 RPM। फिर 14.1 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती है एट द रेट 8,500 RPM। और इसके सिलेंडर के बारे में बात करें तो ये सिंगल सिलेंडर बाइक है, 4-वाल्व। फिर यहाँ पे आ जाते हैं इसके ब्रेक के बारे में। तो यहाँ पे फ्रंट में दिया है, मतलब यहाँ फ्रंट में दिया हुआ है इसमें डिस्क, जो कि 280mm का, और ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है बाइक। और टायर साइज के बारे में बात करें तो फ्रंट टायर है 100x18 R17 ट्यूबलेस एरियल टायर, और ये जो सस्पेंशन है वो है टेलीस्कोपिक। पीछे भी दिया हुआ है डिस्क, और ऐसा कुछ इसका साइलेंसर रहता है जो कि हम बोलते हैं एग्जॉस्ट। फिर हम इसके माइलेज के बारे में बात करेंगे तो आपको जब अगर आप हर्ष ड्राइविंग अगर करते हो मतलब ज़्यादा एक्सीलेटर मार के अगर ड्राइव करते हो तो आपको 30-35 के अराउंड आपको माइलेज मिल जाएगी, और अगर नॉर्मल ड्राइव करते हो, सिटी ड्राइव करते हो, तो 40-45 के अराउंड आपको माइलेज मिल जाएगी। और इसके फुल टैंक के बारे में बात करेंगे तो ये 11 लीटर का टैंक है। जैसे कि ये स्पोर्ट बाइक है तो फिर मतलब 11 लीटर टैंक इज़ एनफ फॉर दिस बाइक। यहाँ पे सीटिंग मतलब पोजीशन ये स्प्लिट सीट है पिलियन के लिए, हालांकि ये सीट मतलब जो पिलियन का सीट है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी चलता है क्योंकि ये स्पोर्ट बाइक है, स्पोर्ट बाइक में ये चलता है। और इसके गियर ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे तो ये 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, सिंगल गियर है। यहाँ पे पीछे आपको गियर नहीं दिया जाता जैसे कि रॉयल एनफील्ड वगैरह में रहता है। फिर इसके कर्ब वेट के बारे में बात करेंगे तो मतलब इस बाइक का वेट विदाउट ऑयल इस बाइक का वेट है 142 kg। तो यही था कुछ वीडियो इस बाइक के बारे में रिव्यू का। तो अभी चलो इस भाई से बात करते हैं इस बाइक के बारे में कि इस बाइक में क्या क्या लगा है मॉडिफिकेशंस वगैरह। तो यहाँ पे भाई भी आ गए हैं, तो अभी भाई से पूछेंगे इस बाइक के बारे में। तो ये बाइक इन भाई का है, तो अभी ये भाई हमको मतलब बताएंगे इस बाइक के बारे में, तो मतलब बाइक में जो कुछ भी मॉडिफिकेशंस किया हुआ है इन भाई ने किया है। तो भाई थोड़ा बताइए इस बाइक में क्या क्या लगा हुआ है, पहले से बताइए एकदम फ्रंट से आप स्टार्ट कीजिए। इसमें जो ये उंगलीट लगा है ना वो 400 का है। अच्छा, ये मतलब आप कहाँ से खरीदे ये वाला उंगलीट? ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है।
अच्छा, तो देख सकते हैं कि ये विंगलेट एकदम बाइक के साथ कलर के साथ मैचिंग करके भाई ने लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पर मतलब ये स्क्रू दे के इसको सिर्फ लगा सकते हैं ना? हाँ, या फिर और कुछ मतलब सिर्फ ये वाला स्क्रू लगाने से हो जाएगा या फिर और कुछ? हाँ, जी, यही स्क्रू है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर और ये वाला है, और ये सिर्फ डेमो है ना, लुक्स के लिए? अच्छा, लुक्स के लिए। अच्छा ठीक है। और फिर बताइए, ये 46 आपने स्टिकर लगाया है? हाँ जी। तो ये 46 का मतलब क्या है? ये 46 का मतलब तो मुझे कुछ खास मालूम नहीं है। हाँ। बट मालूम है कि यामा का रेसिंग जो करता है ना वो। हाँ। वैलेंटिनो रोसी। अच्छा, हाँ हाँ, उनका उसके हेलमेट का भी और जैकेट का भी राइडिंग जो गियर है। हाँ, 46 नंबर है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। और ये बबल वाइजर भाई ने लगाया है, वो ये कितने में लगाया है ये वाला मतलब वाइजर? ये मुझे मिला 1200 का। अच्छा, फ्लिपकार्ट से ही? फ्लिपकार्ट नहीं, ये अमेजोन से। अच्छा, अमेजोन से। हाँ। और यहाँ पे आ जाते हैं तो इस इंडिकेटर के, और यहाँ पे जो स्टॉक इंडिकेटर होता है वो एकदम बल्ब जैसा होता है, तो स्टॉक इंडिकेटर इतना खास नहीं लगता। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई ने आफ्टर मार्केट लगाया है, तो मतलब बहुत धासु लग रही है। तो आपको जला के एक बार दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। डे में ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन नाइट में बहुत पावरफुल है। अच्छा, विजिबिलिटी बहुत अच्छा है इसका। बहुत अच्छा। तो ये वाला जो इंडिकेटर आपको कितना पड़ा है? ये 400-450 मतलब सामने और पीछे दोनों? दोनों। अच्छा, तो आपको पीछे भी दिखा देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे भी। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आफ्टर मार्केट फ्रेम स्लाइडर लगाया है भाई ने। ये फ्रेम मतलब फ्रेम स्लाइडर क्या काम करता है, अगर आपका बाइक गिर जाता है तो ये बचा लेगा आपको, फेयरिंग को, फेयरिंग को बचा। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम प्लास्टिक का बॉडी है। और ये बाइक मतलब वाइजर बाइक है, तो वाइजर बाइक में क्या होता है, अगर गिर जाता है पूरा टूट जाता है तो ये फ्रेम स्लाइडर बचाएगा। और फ्यूचर में भाई एक लीवर भी लगाएंगे यहाँ पे, ब्रेक लीवर या फिर जो होता है क्लच लीवर, जो ये वाला लीवर भी बचाएगा अगर बाइक गिर जाएगा तो। तो ये फ्रेम स्लाइडर आपको कितना मतलब रेट कितना पड़ा है आपको? ये अराउंड 1600 का पड़ा है। 1600, वो फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन? ये अमेजोन से। अच्छा, अमेजोन से, ठीक है। मैं आप सब लोग को मतलब ये जो कुछ भी लगाया भाई ने सबका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर पाओगे। और क्या क्या लगाया बाइक में? टेल टाइडी लगाया। अच्छा, टेल टाइडी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा एक मड गार्ड रहता है, भाई ने उतार के यहाँ पे टेल टाइडी लगा दिया है। हाँ, लेकिन आपको एक दिक्कत आ सकता है कि अगर आप मतलब बारिश के सीज़न में चला रहे हो तो बहुत कीचड़ उठे मतलब ऊपर उठेगा, लेकिन भाई का शौक है मॉडिफाई करने का तो भाई ने ये पूरा खोल दिया, यहाँ पे टेल टाइडी लगाया है। इसके यहाँ पर जो होल होता है वहाँ पे भाई ने इंडिकेटर लगाया है और यहाँ पे नंबर प्लेट। तो ये वाला टेल टाइडी आपको कितना पड़ा है? ये 400 का। 400, वो कहाँ से लिया आप? अमेजोन से। तो जैसे डिस्काउंट में मिला। अच्छा, डिस्काउंट में मिला। तो जैसे कि आप देख सकते हो मतलब ये बाइक पूरा एकदम नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल में जो मॉडिफिकेशन किया हुआ है वो एकदम मस्त किया है। तो अगर रोड में जाता है तो बाइक मतलब हेड टर्निंग है ये बाइक। जैसे कि फुल सिस्टम एक्रोबैटिक का एग्जॉस्ट टाइटेनियम। तो वो वाला एग्जॉस्ट कितना आएगा आपको? वो तो मैंने देखा था एक्रोबैटिक के साइट में 17,000 या 18,000 के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। वो ये जो लोग लगाते हैं ना वो स्लिप ऑन नहीं, वो फुल सिस्टम है। हाँ। टाइटेनियम का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझा। इससे 3 या 4 BHP गेन होता है। अच्छा, तो अभी इस बाइक का BHP कितना है? अभी तो 19.3 BS4 का बाइक है। हाँ हाँ, BS4, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे डुअल चैनल ABS भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ABS। तो बाइक वैसे बहुत सेक्सी लुक आ रहा है एक, जो भाई ने ये सब कुछ लगा के रखा है। तो अभी इस बाइक को चलाएंगे, देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है बाइक के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपको मोटो व्लॉगिंग पे। चलिए अभी जाते हैं इस बाइक को चलाने के लिए, देखेंगे इसका एक्सपीरियंस।
फिर ऑफ रोडिंग भी हो जाएगा इस बाइक को लेके आज। आशा करता हूँ कि मतलब ये जो विंड ब्लास्ट वगैरह सब कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा माइक सेटअप किया है बहुत एक मस्त तरह, आपको दिखाऊंगा एक दिन मतलब और एक ब्लॉग में। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको दिखाऊंगा मेरा माइक का सेटअप और मेरा कैमरा जल्दी आने वाला है एक। इसकी सीटिंग पोस्चर के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही मतलब एग्रेसिव है ये सीटिंग इसका पोस्चर। लॉन्ग राइड के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाई है बाइक, सिटी राइड के लिए हाँ ठीक है आप कर सकते हो। परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है इस बाइक का, मतलब फोर्थ गियर में 100 क्रॉस कर रहा है। मैं मतलब इतना खींचा नहीं, लेकिन अगर मैं ठीक तरह से खींचता ये फर्स्ट गियर में 51 क्रॉस करता है, क्योंकि भाई ने बहुत अच्छा सर्विस करके रखा है इस बाइक को, मेंटेन करके रखा है, तो फर्स्ट गियर में इजीली ये 51 पहुँच जाता है। आपको इस रेंज में एक मतलब इससे अच्छा स्पोर्ट्स बाइक आपको नहीं मिल सकता। तो आ रहा है या करते हैं खुली। तो अभी करेंगे इसका फर्स्ट गियर चैलेंज, मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ कर लेंगे इस बाइक का। यूट्यूब में बहुत मैं सर्च किया, लेकिन सब बाइक में 47, 46 या 48 उठता है फर्स्ट गियर में, ये R15 वर्जन 3। तो अभी चेक करेंगे इस बाइक में कितना होता है फर्स्ट गियर में।
रेडी गो। डे 1 2 3 गो। तो शायद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि फर्स्ट गियर में ये बाइक 51, मैं जितना भी वीडियो देखा हूँ सब कुछ में 47, 48, 46, लेकिन शायद ये पहली बाइक होगा जिसमें 51 उठता है फर्स्ट गियर में। सेकंड गियर में टच किया ये 77 और थर्ड गियर में 104, ये 105 तक जा सकती थी लेकिन मैंने स्लो कर दिया क्योंकि सामने रोड ख़त्म हो गया था। ये थर्ड गियर में 104, सेकंड गियर में 77, फर्स्ट गियर में 51, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस बाइक। और गाइस हम मतलब 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जो भी ये वीडियो देख रहे हो जल्दी से 1K करवा दो, क्योंकि और अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है आने वाले दिन में, मतलब बहुत ही मस्त कंटेंट आने वाला है। और एक बात था कि अगर आप देखना चाहते हो ड्यूक 390, मेरा एक दोस्त का बाइक है ड्यूक 390 में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाया हुआ है एक्राफोविक का, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए शूट कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बोलना होगा कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस चैनल पे जो भी नए हो मैं और जो भी मतलब पहले से जो जिसने भी मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि मैं वहाँ पे सब कुछ अपडेट देता रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का नाम है TR07Rider, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, सब कुछ मैं देता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो अभी लेंगे एक इस बाइक का एक थंबनेल के लिए एक फ़ोटो लेंगे मस्त सा, और कुछ फ़ोटो भी लेंगे जो मेरे इंस्टाग्राम के लिए, तो जाइए और चेकआउट कीजिए।